हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं एच पी सेट लाइफ साइंस का पेपर टू जो छः मई 2018 को लिया गया था इस पेपर में फिफ्टी क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन जो होगा वो टू मार्क्स का होगा तो ओवरऑल पूरा पेपर जो होगा वो हंड्रेड मार्क्स का होगा तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर वन इज़ विच ऑफ़ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू सेलेक्ट द इंटायर डॉक्यूमेंट पूरे दस्तावेज का चयन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा इस्तेमाल किया जा सकता है तो इसका सही आंसर है ए कंट्रोल प्लस ए नेक्स्ट क्वेश्चन है वट डू यू अंडरस्टैंड बाय बूटिंग बूटिंग से आप क्या समझते हैं इसका सही आंसर है ए द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग ऑफ कंप्यूटर फ्रॉम द पावर ऑफ पोजिशन बिजली बंद की स्थिति से कंप्यूटर शुरू करने की प्रक्रिया को हम बूटिंग कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप्स ऑफ चार्ट कैन एक्सेल प्रोड्यूस किस टाइप के चार्ट को एक्सेल प्रोड्यूस करता है तो इसका सही आंसर है सी बार चार्ट लाइन ग्राफ्स एंड पाई चार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ़ द फॉलोइंग बिल सेव योर डाटा वेन कंप्यूटर इज टर्न ऑफ कंप्यूटर बंद होने पर किस विधि द्वारा डाटा बचाया जा सकता है तो इसका सही आंसर है सी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है वट डज कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू की इफेक्ट तो इसका सही आंसर है बी सबस्क्रिप्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू एक्सीडेंटली इरेज्ड ए रिकॉर्ड इन द शीट वट कमांड कैन बी यूज टू रीस्टोर इट इमीजिएटली आपने गलती से शीट में एक रिकॉर्ड मिटा दिया है तो उसको तुरंत वापस लाने के लिए हम कौन सा कमांड यूज करेंगे तो इसका सही आंसर है डी अंडू नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ वेब ब्राउजर इनमें से कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है तो वो इसका सही आंसर है, है वो भी वेब ब्राउजर है गूगल क्रोम भी वेब ब्राउजर है और इंटरनेट एक्सप्लोर भी वेब ब्राउजर है तो इसका सही आंसर डी एवास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए कुकी कुकी क्या है तो इसका सही आंसर है बी स्टोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द यूज़र वेब एक्टिविटी तो उपयोगकर्ता की वेब गतिविधि के बारे में स्टोर की हुई जानकारी को हम कुकी कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है वट इज़ द फॉर्म ऑफ पी डी एफ पी डी एफ की फुल फॉर्म क्या होती है तो पी डी एफ हम सब कहीं ना कहीं रोज यूज़ करते ही हैं तो इसका सही आंसर है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट नेक्स्ट क्वेश्चन इज

और स्टेमन जो है वो ओवरी के ऊपर अटैच है तो इसको हम क्या बोलते हैं इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं इसको हम कहते हैं एपी गाइनी तो इसका सही आंसर है एपी गाइनी नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए फ्लावर इज सेट टू बी एक्टिनोमोर्फिक वेन इट कैन बी डिवाइडेड इन टू एक्टिनोमोरफिक फ्लावर कौन सा फ्लावर होता है आप इस फ्लावर में देख सकते हैं कि अगर हम जो एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर होता है उसको जब हम यहाँ से कट करेंगे या डिवाइड करेंगे या यहाँ से डिवाइड करेंगे या यहाँ से डिवाइड करेंगे तो वो हमेशा टू इक्वल हाफ्स में ही डिवाइड होगा तो उस कंडीशन को हम कहते हैं एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर नेक्स्ट क्वेश्चन है ओब्लिकेट बायोट्रॉप्स आर दैट ओब्लिकेट बायोट्रॉप कौन से पैथोजन होते हैं तो इसका सही आंसर है ग्रो इन ए लिविंग टिश्यू जो ओब्लिकेट बायोट्रॉप है वो लिविंग टिश्यू पर ग्रो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है बोटुलिज्म इज बाय स्पीशीज ऑफ बोटुलिज्म किस स्पीशीज के कारण होता है तो इसका सही आंसर है क्लोस्ट्रीडियम टोमेटो फ्रूट इज ए टोमेटो फ्रूट क्या है तो इसका सही आंसर है बी

Known as, तो इसका सही आंसर है एनोमो साइटिक नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइब्रिड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय फ्यूजन ऑफ साइब्रिड्स कैसे बनते हैं तो साइब्रिड जो बनते हैं वो मिक्सिंग ऑफ टू साइटोप्लाज्म एंड वन न्यूक्लियर जीनोम इज कॉल्ड एज साइब्रिड ठीक है जो साइब्रिड होते हैं उसमें क्या होता है कि एक उसमें एक पेरेंट का जो होगा वो न्यूक्लियस और सेटोप्लाज्म होगा और दूसरे पेरेंट का ओनली सेटोप्लाज्म ही होगा तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं साइब्रिड ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं ये दोनों मिलकर साइब्रिड सेल्स बनाते हैं सेल बनाते हैं तो इस कंडीशन को हम साइब्रिड कहते हैं तो इसका सही आंसर है डी ए सेल्स दैट कंटेन न्यूक्लियर जीनोम विद साइटो प्लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर ऑफ डिस्पर्जन एंड वेरिएबिलिटी तो इसका सही आंसर है डी मीन नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर एट एटमोस्फेरिक प्रेशर इज जो वाटर पोटेंशियल है वो प्योर वाटर का कितना होता है तो इसका सही आंसर है सी जीरो वार वैसे तो वाटर पोटेंशियल हम की वैल्यू हमेशा नेगेटिव में होती है लेकिन प्योर वाटर में वाटर पोटेंशियल की वैल्यू जो होगी वो जीरो होगी नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्यूनोगोल्ड टेक्निक इज यूज्ड फॉर इम्यूनोगोल्ड टेक्निक किसके लिए यूज होती है तो इसका सही आंसर है ए लेबलिंग ऑफ टिश्यू विद गोल्ड पार्टिकल्स बाउंड टू स्पेसिफिक एंटीबॉडीज नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन म्यूटेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग जीन्स फ्लावर इज कंपोज्ड ओनली ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स निम्नलिखित जीन में से किसके म्यूटेशन के कारण फूल केवल सेपल्स और पैटल्स से ही बना है तो इसका सही आंसर है ए एगेमस नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लांट स्पेसिफिक प्रोटीन इनमें से कौन सी एक प्लांट प्रोटीन है तो इसका सही आंसर है रूबिस्को नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन है ड्यूरिंग जर्मिनेशन ऑफ बार्ले सीड्स एंजाइम फॉर मोबिलाइजेशन ऑफ रिजर्व मटेरियल टू फ्रॉम बार्ले की जर्मिनेशन के टाइम एम्ब्रियो को रिजर्व मटेरियल स्टोर करने के लिए एंजाइम कौन देता है तो इसका सही आंसर है एल्यूरोन लेयर एल्यूरोन लेयर जो है ये एक अल्फा एमआईलेस एंजाइम स्क्रीड करती है अल्फा एमाइलेज एंजाइम जो है एक डाइजेस्टिव एंजाइम है जो स्टार्च को डाइजेस्ट करता है और शुगर को रिलीज़ करेगा और प्लांट जो एम्ब्रियो है वो उस शुगर को एब्जॉर्ब करेगा और प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करता है नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू फॉर सुडोजीन्स इनमें से जो कौन सी स्टेटमेंट है वो सुडोजीन्स के लिए सही नहीं है तो इसका सही आंसर है डी देयर फंक्शन इज कंजर्व्ड एकर स्पीशीज नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्लिसरोल इज एडेड टू न्यूक्लिक एसिड सैंपल्स फॉर अगर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बिकॉज इट जब ग्लिसरोल को जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस के लिए न्यूक्लिक एसिड सैंपल में डाला जाता है तब क्या होता है तो इसका सही आंसर है सी इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये सॉल्यूशन की डेंसिटी को बढ़ा देता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज बीच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंप्राइज़ ए कंबिनेशन ऑफ नेचुरली अक्रिंग ग्रोथ रेगुलेटर्स इनमें से कौन सा पेयर जो है वो नेचुरली ग्रोथ हॉर्मोन्स का है तो इसका सही आंसर है ब्रासिनो स्टीरोड्स आई ए, ए ए जी ए थ्री और जी ए टेन नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू कंपोनेंट सिग्नलिंग मैकेनिज्म डज नॉट अकर इन तो इसका सही आंसर है डी ऑक्सिन सिग्नलिंग नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट कोेक्ट फॉर सी फोर पाथवे सी फोर पाथवे के लिए कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है तो इसका सही आंसर है सी सी फोर प्लांट्स आर लेस एफिशियंट इन सी ओ टू फिक्सेशन देन सी थ्री प्लांट्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज टीथ ऑफ शार्क एंड टेलियोस्ट आर शार्क और टेलियोस्ट के टीथ कैसे होते हैं तो इसका सही आंसर है डी एक टाइप के टीथ जो होते हैं वो रिजिस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं जैसे इस टाइप के टीथ को हम कहते हैं एक्रोडोंट और ये रूटलेस टीथ होते हैं और ये जल्दी टूट भी जाते हैं ब्रेक हो जाते हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द ऑर्निथिन साइकिल कार्बन डाइऑक्साइड एंड एमोनिया आर यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ ऑर्निथिन साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया किसकी सिंथेसिस करने के लिए यूज किया जाता है तो इसका सही आंसर है यूरिया नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लड प्रेशर इज हाइएस्ट इन ब्लड प्रेशर कहाँ पर हाइएस्ट होता है तो इसका सही आंसर है सिस्टेमिक आर्टरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एज ऑफ पिरामिड विद ब्रॉड बेस इंडिकेट एज पिरामिड के अंदर जो ब्रॉड बेस होता है वो क्या शो करता है जो नीचे वाला जो ब्रॉड बेस होगा वो क्या शो करेगा तो वो शो करता है हाई परसेंटेज ऑफ यंग इंडिविजुअल नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्कल सेल डिजीज इलुस्ट्रेट्स द तो इसका सही आंसर है बी इनकम्प्लीट डोमिनेंस नेक्स्ट क्वेश्चन है वालसवा मैन्यूवर ड्यूरिंग हैवी वेट लिफ्टिंग तो इसका सही आंसर है बी रिड्यूसिसनस रिटर्न नेक्स्ट क्वेश्चन इज बायोलॉजिकली द मोस्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ थायरॉयड हार्मोन इज थायराइड हार्मोन की सबसे एक्टिव फॉर्म कौन सी होती है तो इसका सही आंसर है ट्राइ आइडोनिन विच ऑफ स्टिमुलेट्स एपेटाइट निम्न में से कौन सा पेप्टाइड जो है वो भूख को स्टिमुलेट करता है तो इसका सही आंसर है डी ग्रेलिन नेक्स्ट क्वेश्चन इज If a protein is poorly expressed in a diseased tissue, then which of the following blotting method will be used to determine whether the defect is at the level of transcription or translation? The answer is C. Northern and Western blotting method. Next question is, male cats are either black or orange in color. बिकॉज दे आर तो इसका सही आंसर है ए हैमीजाइगस फॉर एक्स लिंक्ड कलर जीन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिप्लेसमेंट ऑफ स्पीशीज अलोंग ए ग्रेडियंट ऑफ हैबिटेट और कम्युनिटीज इज कॉल्ड तो इसका सही आंसर है डी बीटा डाइवर्सिटी नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ एन ए सी एल विल बी प्रेजेंट इन हंड्रेड म्यू एल ऑफ इट्स माइनस टेन एम सोल्यूशन तो इसका सही आंसर हैोमोजोम इन फीमेल मैम इज एन एग्जाम्पल ऑफ फीमेल मैमल्स के अंदर जो एक एक्स क्रोमोजोम इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है तो ये किसका एग्जाम्पल है तो इसका सही आंसर है ए नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड बैट्स आर जो पक्षियों और चमगादड़ के पंख कैसे होते हैं तो इसका सही आंसर है बी एनालोग एंड रिप्रेजेंट कन्वर्जेंट ने आर हाई एंड ग्लाइकोजेनेसिस इज अकरिंग इन द लिवर देन स्टेट ऑफ बॉडी इज रेफर टू एज तो इसका सही आंसर है बी एब्सॉर्पटिव नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनडेंजर्ड बर्ड स्पीशीज इनमें से कौन सी बर्ड स्पीशीज जो है वो लुप्त होने के कगार पर है तो कौन सी है इसका सही आंसर है बी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बियर लैम्बर्ड लॉ गोवर्न्स तो इसका सही आंसर है स्पेक्ट्रो फोटोमीट्री नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग शो सुपर ग्रीन हाउस इफेक्ट तो इसका सही आंसर है डी वॉटर वेपर तो आज हमने डिस्कस किया एच पी सेट लाइफ साइंस का पेपर टू अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर डाउटफुल लगता है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर बताएं तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू